भवन एवं अन्य निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के द्वारा श्रमिकों को लाभकारी योजनाओं का लाभ दिया जाता है। इसके लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलाई जाती हैं। यह कल्याणकारी योजनाएं उन मजदूरों को दी जाती हैं जो श्रम विभाग कार्यालय में पंजीकृत हों और मजदूरी का कार्य करते हों, लेकिन कुछ असामाजिक तत्व यानी कि दलाल उन मजदूरों को लाभ दिलाने के एवज में रिश्वतखोरी भी करते हैं और मजदूरों को योजनाओं का लाभ भी नहीं मिल पाता है। ऐसे ही विभाग को कुछ शिकायतें मिली थीं, तो उन शिकायतों को संज्ञान में लेते हुए लेबर कमिश्नर विपिन कुमार जैन ने 2 दिन पूर्व श्रम विभाग कार्यालय का निरीक्षण किया और जांच की। श्रमिकों से बयान भी दर्ज कराए गए। जांच के दौरान लेबर कमिश्नर को कुछ कमियां पाई गईं, तो लेबर कमिश्नर विपिन कुमार जैन ने सहायक श्रम आयुक्त ML पाल को दिशा निर्देश दिए कि जो भ्रष्टाचार में लिप्त है उन लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। इसी को ध्यान में रखते हुए सहायक श्रम आयुक्त ML पाल ने विभाग के कर्मचारियों सहित बाहर के अन्य लोगों के खिलाफ मथुरा कोतवाली में FIR दर्ज कराई है। ऐसे आधा दर्जन से अधिक लोगों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है। इस संबंध में जानकारी देते हुए सहायक श्रम आयुक्त ML पाल ने बताया कि लेबर कमिश्नर विपिन कुमार जैन की जांच के बाद उन्हें आदेश प्राप्त हुआ है कि जो व्यक्ति भ्रष्टाचार में लिप्त है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। इसी को ध्यान में रखते हुए अब तक आधा दर्जन से अधिक लोगों के खिलाफ FIR दर्ज करा दी गई है और लोगों की जांच की जा रही है। अगर जांच में और भी लोग दोषी पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य निर्माण गोपी कृष्ण हॉस्पिटल चिकित्सा के क्षेत्र में मथुरा का अग्रणी हॉस्पिटल एवं पहला टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर है। IVF में 70% सफलता, स्त्री रोग विभाग में हाई रिस्क डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन, हिस्टेक्टोमी आदि बेहद अनुभवी एवं क्वालिफाइड लेडी डॉक्टरों द्वारा किए जाते हैं। हड्डी रोग विभाग की एडवांस यूनिट जहां पर जोड़ प्रत्यारोपण यानी कि घुटना रिप्लेसमेंट, कूल्हा रिप्लेसमेंट, रीढ़ की हड्डी के ऑपरेशन एवं फ्रैक्चर होने पर प्लास्टर, सरिया या प्लेटिंग आदि की सर्जरी की जाती है। हर प्रकार की जनरल सर्जरी एवं दूरबीन विधि से हर प्रकार के लैप्रोस्कोपिक ऑपरेशन, बच्चों के हर प्रकार के रोगों का इलाज हॉस्पिटल NABH से मान्यता प्राप्त है। मॉड्यूलर OT एवं हाईटेक मशीनों से फिजियोथेरेपी, एम्स दिल्ली एवं CMC बेल्लोर द्वारा सर्टिफाइड पैथोलॉजी। गोपी कृष्ण हॉस्पिटल में आयुष्मान कार्ड, ESI कार्ड, BSNL के कार्ड, रेलवे के कर्मचारियों के कैशलेस इलाज की सुविधा, लगभग सभी इंश्योरेंस कंपनियां एवं TPA कार्ड धारकों को कैशलेस इलाज की सुविधा। कर्मकार कल्याण बोर्ड के CEO और सचिव डॉक्टर विपिन जैन साहब ने गत दिनों तमाम शिकायतों के आधार पर प्रमुख सचिव के निर्देश पर मेरे कार्यालय का निरीक्षण किया गया था, जिसमें उनके द्वारा शिकायतें सही पाई गई। उसके आधार पर उन्होंने कर्मचारियों के खिलाफ और जो बाहर के बाहरी तत्व हैं और जिन लाभार्थियों ने गलत तरीके से लाभ ले लिया है उनके विरुद्ध कार्रवाई हेतु मुझे निर्देशित किया गया है। क्या कुछ कार्रवाई की गई आपके द्वारा? सर के निर्देश के तहत मेरे द्वारा संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ FIR दर्ज करा दी गई है, जिस पर अग्रेतर कार्रवाई अपनाई जाएगी। अब तक टोटल 10 लोगों के खिलाफ FIR हो चुकी है। हो सकता है कि और भी जांच में आवे तो उनके खिलाफ भी FIR दर्ज कराई जाएगी। हाँ, ऑफिस के कर्मचारी भी हैं और बाहर के कर्मचारी भी हैं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए NewNews के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाइए NewNews की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।